का एक स्टार मिस्टर फैजू, फैजू नाम या फैजू मिस्टर फैजू, बहुत ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर। आई थिंक 22 मिलियन और 20 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके टिकटॉक पर। एनीवेज उसने वीडियो बनाई था रेजा सारी के हक में। उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे वीडियो के, मार तो दिया तुम लोगों ने तबरेज अंसारी को, लेकिन कल को जब उसकी औलाद बड़ी होकर बदला लेगी तो मुसलमानों को तुम आतंकवादी मत कहना। इसने ये वीडियो क्या पोस्ट कर दी टिकटॉक पर, उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ गया। पूरे आरएसएस, पूरे बीजेपी, पूरी पुलिस स्टेशन, पूरी सीआईडी, पूरी जो भी है वो सब इंडिया के उसके पीछे पड़ गए। ये कंप्लेन कर, वो कंप्लेन कर, टिकटॉक को मेल कर, ये कर, वो कर, पुलिस केस बना, एफआईआर कर, सब कर करा के उसका टिकटॉक से अकाउंट उड़वा दिया। और झटपट फटाफट पुलिस ने हरकत की। क्यों? क्योंकि एक हिंदू के खिलाफ आवाज उठी। यही चीज तबरेज अंसारी को आज ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है उसको शहीद हुए हुए, बेगुनाह शहीद, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये वो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गया है, ये है वो है, कत्ल किया है एक बंदे ने, लेकिन फिर भी कोई सजा नहीं, कोई कानून नहीं है हिंदू के लिए, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। ओए अब तो खड़े हो जाओ। ओए इंडिया के मुसलमानों क्यों सो रहे हो, क्यों बेगैरत बने हुए हो, क्या चाहते क्या हो, मसला कहाँ पे आ रहा है तुम लोगों को? इनको सपोर्ट करो एजाज खान जैसे लोगों, अपनी पावर दिखाओ। जब एजाज खान आवाज उठाता है ना तो उसके पीछे पीछे जाया करो, जब वो कहीं पर बुलाता है, निकलने को बोलता है तो उसको फॉलो किया करो एजाज खान को। हिंदुस्तान में कानून सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है और किसी के लिए कोई कानून नहीं। ये मोदी सरकार जो है, ये चाय बनाने वाला जो मोदी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी मुस्लिम लोगों के साथ है। तो अभी भी वक्त है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, अपना मुस्लिम स्थान बना लो। चलो पाकिस्तान तो हम लोगों ने अलग कर लिया, हम लोग तो बड़े ऐशो आराम से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आराम सुकून से रहते हैं। कोई भी हमें यहाँ से पकड़ के ये नहीं बोलता तू कैसे जी रहा है। हाँ, जय श्री राम बोल, मेरा मुंह से अब मैं कुछ निकालना नहीं चाह रहा। तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बनाया अपना, अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने कुर्बानियां तो दी, बट अब हमारे पास एक अपना कंट्री है, हम चाहे उसमें जैसे मर्जी जिए, ये हमारा लाइफस्टाइल है। सो चलो इंडिया के मुस्लिम, आप लोगों को चलो पाकिस्तान में आना नहीं पसंद जो भी है, बट कम से कम अपने लिए तो कुछ ना कुछ करो, मुस्लिम स्थान बनाओ अपने लिए। और यार सिख वीरां नूं की हो गया यार, तुहानूं सिख वीरो, ओ यार उठो यार, निकलो बाहर, ना इन्हां दी ऐसी तैसी करो यार, तुसी तो यार इन्ने तगड़े हो यार, पूरे हिंदुस्तान दे विच तुसी तगड़े हैगे हो यार। तुहानू कोई भी मसला होंदा ना, ऐ मोदी जिहड़ा ना सब तो पहले तुहानू अगे करदा है, ऐ साडे सिख वीर ने, ऐ सिख जिहड़े ने बड़े लोयल ने, ते ये है ते वो, ऊंट पटांग गल्लां करके, मिठी मीठी मीठी बातें करके तो आप लोगों को आगे लगा देते हैं, तो फिर सिख जो है वो खून जोश मारता है, गर्म होता है खून, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये हैं वो हैं। नहीं, कितने सिख लोग मरते हैं डेली इंडिया के अंदर, कितने मुस्लिम्स मरते हैं, किधर है कानून? कोई है कानून? नहीं। लेकिन टिकटॉक के ऊपर मिस्टर फैजू नाम के लड़के ने एक वीडियो बनाई तो उसके ऊपर ऐसे इंप्लीमेंट हुआ, अकाउंट रिमूव, बंदे पे एफआईआर, खबरों के अंदर वायरल कर दिया उसको, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको बदनाम कर दिया, उनको माफी मांगनी पड़ गई। कैसी बात है, उनको माफी मांगनी पड़ गई आगे कि यार हमारी जान जो, उनको पता था कि जो तबरेज के साथ हुआ वो इनके साथ भी हो जाएगा। जो भड़काने वाली मूवीज हैं वो ये खुद हिंदू लोग बनाते हैं, मैं आप लोगों को चली लगा के बोल सकता हूँ, इनकी हर मूवी पुरानी से लेके नई जितनी भी मूवीज हैं सब मूवीज में यही दिखाया जाता है कि एक बच्चा है, उसको उसके बाप को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, वो बड़ा होता है, बंदूक के चाकू छुरियां तलवारें बम फट रहे हैं, ये वो जितनी दहशत गर्दी ये हिंदू लोग पिलाते हैं उतनी कोई भी नहीं पिलाता, लेकिन उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बॉलीवुड है, मूवी है, इस पे फिर आरएसएस बीजेपी सारे लोग कमाई नहीं करेंगे, कमाई भी तो करनी है ना, इसको क्यों बंद करवाएंगे, राइट? कोई मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अभी भी बड़ा वक्त है, उठ जाओ, मुस्लिम स्थान बना लो अपने लिए। मैं हैशटैग चलाना चाहता हूँ मुस्लिम स्थान का, खालिस्तान का और मुस्लिम स्थान का, ये मुझे हर कमेंट में नजर आना चाहिए जगह जगह, क्योंकि मुझे पता पड़े हिंदू लोग नीचे आके कमेंट्स करते हैं ये वो दिस एंड दैट, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बट मुझे ये हैशटैग हर जगह नजर आना चाहिए। जो भी ये मेरी बात से मुत्तफिक है, एग्री करता है, हैशटैग खालिस्तान एंड हैशटैग मुस्लिमस्तान। यार मैं तो हैरान हूँ, ऐसे ऐसे यार इन लोगों ने एक्शन लिया और उस लड़के का अकाउंट डिलीट करवा दिया मिस्टर फैजू का टिकटॉक से, पुलिस हरकत में आ गई एकदम और सारा कुछ सिस्टम हो गया।
ये होता है निजाम, ठीक है, ये है सिर्फ मुस्लिम के लिए। मुस्लिम को जब पकड़ना हो तो पकड़ के तो अंदर फेंको और ये है वो है दिस एंड दैट। अब तबरेज अंसारी को कितना अरसा हो गया, कितने लोगों ने वीडियो बना ली, न्यूज पे चल गया, पूरी दुनिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो तबरेज अंसारी के साथ खड़ी हो गई कि इसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो हुकूमत है वो किसके हाथ में, वो एक चाय वाले के हाथ में। The tea is fantastic. Anyways, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल किसी ने सही बात की है कि ये सब चीजें ये सब बातें मोदी है तो मुमकिन है। भाई देखो, हमें ये आरएसएस बीजेपी वालों से कुछ लेना देना नहीं, और हमें हिंदुस्तान से भी कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। हम ये चाहते हैं और इंडिया के मुस्लिम्स और खालिस्तान जो सिख लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये इंडिया है ना, इसमें मुस्लिमस्तान अलग हो जाए, खालिस्तान अलग हो जाए, हिंदू इतना सा ये हिस्सा इतना सा लेकिन साइड पे हो जाए, फिर देखते हैं ये कैसे फुदकते हैं, ठीक है। मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, वो भी मैंने सुना था मिस्टर फैजू क्या कि मिस्टर फैजू नाम का कोई लड़का था टिकटॉक पे, उसको बैन कर दिया गया, उसको बैन करवा दिया गया है, उसको इंडिया से इसको निकालने की साजिश की जा रही है, और यू नो सो चीजें। मैंने उस लड़के को कभी देखा नहीं, बट इस मामले के बाद जब ये हाईलाइट हुआ कि भाई एक लड़का था उसने वीडियो बनाई, सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देखा वीडियो, उस लड़के ने वाकई वीडियो बनाई हुई थी और सही कह रहा है वो सही कह रहा है। जब तुम किसी को ऐसे उंगली करोगे तो फिर चप्पे के लिए भी तैयार रहो। ये बहुत जल्दी पटाखा बजने वाला है हिंदुस्तान का, जरा रेडी होके बैठो। और इन लोगों ने दो कतूरे हायर किए हुए हैं अफगानिस्तान के, नमक हराम अफगानी लोगों ने तैनात किए हुए हैं अपने साथ, और ये बड़े खुश होते हैं उनकी वीडियोस देख के। वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं ना, पाकिस्तान को गालियां देके लक्ष्मी मिल रही होती है, नोट मिल रहे होते हैं, तो ये हिंदू बड़े खुश होते हैं कि यार ये अफगानी हमारे साथ हैं और ये है वो है ऐसे है वैसे। ओए इन नादान हिंदुओं को क्या पता कि भाई ये जो अफगानी ये टुचे हैं, ये दो अफगानी जो हैं जो इंटरनेट के ऊपर आए हैं दो अफगानी, हाँ असली अफगानियत तालिबान वो है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स, और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, शाना बशाना खड़े होते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कूल हो जाओ, जब कभी दंगा होगा ना तो फिर देख लेंगे कौन से ये दो जो टुच्चे हैं तुम लोगों के क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इन लोगों को तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो तुम हिंदी लोग इतनी इतनी चपड़ चपड़ बातें करते हो, मोदी को दोबारा लेकर आ गए हो तुम लोग, उसे लैटरिन तो मांगो, क्या बोलते हैं लैटरिन बोलते हैं ना इसको, हमामात तो मांगो उससे, बाथरूम, रोज सुबह सुबह उठते हो लोटा उठाते हो और सीधा खेतों में जाके तो टेक्टिकल स्ट्राइक, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक करने निकल जाते हो। यार वैसे क्या करते, क्या कैसे कैसे करते कैसे हो जाके खेतों में। यार कसम से तुम लोगों की क्या कैफियत क्या होती है यार, आई मीन क्या करते क्या हो, क्या तरीका कार क्या है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा वजाहत तो करो क्या करते क्या हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, अल्लाह हाफिज़।